हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है 17th of January। अभी हम हैं यहाँ मथुरा में हमारे घर पे, और अभी रात के 9 बजे हैं, और थोड़ी देर बाद अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब हम पहुँचते हैं स्टेशन पे। सो ये देखिए, अभी हम हैं मथुरा जंक्शन पे, रात के 10:30 हो रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभी हम हैं मथुरा के स्टेशन पर, और हम जा रहे हैं पंतनगर। पंतनगर वो जगह जहाँ से हमने अपना बचपन बिताया, हम बड़े हुए, और आज हम शायद 10 साल बाद वहाँ पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद एक बहुत ही मिक्स फीलिंग है। एक जगह जो शायद हमारी यादों में हमेशा है, हमारा पूरा बचपन जवानी वहाँ पे बीती है, और समहाउ एक मिक्स फीलिंग। आप जब भी पंतनगर का नाम सुनते हो, एक अजब सा एक इमोशनल अटैचमेंट है आपका पंतनगर के साथ। तो या नो हाउ वी एम गोइंग टू रिएक्ट देयर, बट या आई एम रियली इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर दिस टाइम वी आर गोइंग टू पंतनगर। और हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान भी है, हमारा बेबी, जिसको हम पंतनगर दिखाने वाले हैं, जो हमारे साथ जाएगा। हमें देखेगा हम पापा कहाँ रहते थे, मम्मी कहाँ रहती थी, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, सब कुछ हम उसको शो करेंगे। सो फाइनली हम पंतनगर पहुँच गए स्टेशन पे। अभी हम हैं मॉर्निंग के 5:10 AM हो रहा है, और अभी नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, सो हम पंतनगर में पहुंच गए हैं। अभी हम हैं यहाँ पंतनगर में लैम्बर्ट स्क्वायर में गेस्ट हाउस में, और ये हमारा रूम है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। सो ये है कुछ रूम हमारा, ये देखिए, यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, हमने हीटर ऑन कर लिया आते ही। एंड ये आरव सो भी गया है। पहुँच के हम वहाँ थोड़ी देर सो गए, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम था। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। काफ़ी ठंडा है, चलो हर बपी चीटी भाई। हर नहीं, मेरे पास क्यों आ रहा है? सो अभी हम कैफेटेरिया में आ गए हैं, और हम वेट कर रहे हैं पंतनगर के फेमस गर्मा गर्म आलू के पराठों का। और ये आ गया है हमारा आलू का पराठा, जिसका टेस्ट वही 10 साल पुराना है, हॉस्टल के मेस जैसा। सो अभी हम हैं लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस पे, और अभी हम जा रहे हैं पंतनगर में। ये फूलबाग और लालबाग की तरफ, तराई भवन की तरफ का रास्ता जाते हुए, और अभी हम ये पीपल चौराहे की तरफ जा रहे हैं, बड़ी मार्केट साइड। ओ ये बस स्टॉप, हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो यहाँ पे बैठा करते थे। चलो आ जाओ। कितनी शांति है यहाँ के रोड पे, जैसे हमेशा हुआ करती थी पंतनगर। अभी भी हमें वैसे ही फील आ रहा है,
काफ़ी अच्छा लग रहा है 10 साल के बाद यहाँ के। और ये रहा फार्मर्स हॉस्टल और हमारे सामने है पीपल चौराहा। यार रिक्शे बंद हो गए हैं। ये रहा CRC। और ये अब हम जा रहे हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ। सो हम आ गए हैं हमारे कृषि महाविद्यालय। फाइनली कितने 10 साल के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज। ये हमारे ये है बेटा मेरा कॉलेज। ये मम्मी का कॉलेज है बेटा। मम्मी ने यहाँ से BSc MSc किया। और आपका वो हरित क्रांति की जननी पन्नगर में आपका स्वागत है। और ये रहा एग्रीकल्चर कॉलेज अंदर से। काफ़ी कुछ चेंजेस दिखे हमें अंदर। ये देखिए ये सीट्स वगैरह नहीं होती थी पहले। और वॉल्स पे पेंटिंग दिखी। और मैं फिर अपने MSc के डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी में भी गई। काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। काफ़ी अच्छा टाइम था। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये रहा हमारा NK अनंतराव लेक्चर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे। बहुत ही अच्छा टाइम हमने यहाँ पे अपना कॉलेज का स्पेंड किया है। ये रहा बाहर से देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। कहाँ ये है एग्रीकल्चर कॉलेज। यहाँ हम 10 ईयर्स बाद आए हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत सी पुरानी यादें आ गई। ताज़ा हो गई पुरानी यादें। अभी यहाँ पे गेट भी बना दिया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। बाय पापा। सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बताइए। और बीच में कुछ और भी आता है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ओके इस रोड पे हम कितना ज़्यादा घूमे हैं इधर उधर। कभी लाइब्रेरी के काम से, कभी रेस्टोरेंट के काम से, कभी LC के समोसे खाने। बहुत ही ज़्यादा ना। सो आरफ अभी हम पापा के कॉलेज जा रहे हैं। एक्साइटेड हो आप? हाँ। ये देखिए गांधी पार्क। सो ये है यहाँ का कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट CABM। आपका कॉलेज है? हाँ मेरे भाई। ये देख सकते हैं आप ये यहाँ पे गांधी पार्क। ये CABM ये है कॉलेज दिस साइड। ये रहा यहाँ का घंटाघर। बिल्कुल वैसे ही ना सेम कलर नो चेंजेस। लाइब्रेरी में थोड़ा सा बाहर उसका पहले जैसी शांति ही है अभी ना। अभी चलेंगे पापा? वेट
आरव को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है। ये हमारी लाइब्रेरी एंड ये है हमारा घंटाघर। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे। वहाँ हमसे मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं एक, वो हमसे मिलने आए थे। ये है रिपु तिवारी, महादुष्ट बचपन में पढ़ा है मेरे साथ ही, अभी पंद्रह में काम नहीं कर रहा, सॉरी पंद्रह में जॉब कर रहा है, ये काम तो है ही नहीं। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हमने लाइब्रेरी भी विजिट की अंदर से जाके। और अभी हम जा रहे हैं एलसी की तरफ लाइब्रेरी से। चलो आरू, अब कहाँ जा रहे हैं? एलसी जाके हमने वहाँ चाय पी। ये सीसीएफ तो बहुत ज़्यादा ही जाते थे हम, मैं और अर्चना। बीसी जा रहे हैं। अरे वाह, अरे आ जाओ। अरे अभी हम पता कहाँ जा रहे हैं? बीसी जा रहे हैं। बीसी इज ब्रिजवासी कैंटीन। सब कुछ वही। अभी हम जा रहे हैं सीसी कॉलेज कैंटीन पन्नगर की, और आरव को यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं ग्रास में, बिकॉज उसको यहाँ पे कहीं पे भी आराम से घूमने को मिल रहा है। मुंबई की तरह नहीं कि हर जगह ट्रैफिक एंड ऑल रहता है, यहाँ धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, सो हमें ठंडा भी नहीं लग रहा है ज़्यादा। ये है सेंट्रल कैंटीन। यहाँ की पकौड़ी खिलाओगे तुम्हें? मुझे भी खिलाई थी। क्या कैंटीन में उस समय हमें पकौड़ी नहीं मिली तो हम वहाँ नहीं बैठे, और फिर हम आगे गांधी हॉल की साइड को निकल गए। ये देखिए आरव को हम मज़े से रन कर रहा था पूरे गांधी पार्क में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ गांधी पार्क में धूप सेकते हुए अपने फ्री टाइम में। देखिए महात्मा गांधी जी। हाँ।
पंतनगर से जुड़ी हमारी बहुत सारी यादें हैं, सो उसके लिए हम बहुत सारी जगह भी गए, सो उन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे व्लॉग में बने रहिए पार्ट टू में। थैंक यू।